हमारी मौजूदगी वैष्णो देवी दरबार जो कि बाल गंगा जिसे बाल गंगा कहा जाता है और अभी हम वहीं पे उपस्थित हैं जो कि देख सकते हैं ये बाल गंगा का दृश्य है। सबसे पहले लोग वैष्णो देवी आते हैं तो सबसे पहले लोग यहाँ पे नहाते हैं, उसके बाद पहाड़ चढ़ते हैं दर्शन के लिए। तो बाल गंगा का इतिहास और कहानी सबको पता होगा जो कि माता अपने जब तीर चलाई थी माता तो पानी निकला था उसमें अपने बाल को धोए थे, तो यही वो बाल गंगा है। ये नज़ारा आप दृश्य देख सकते हैं चारों तरफ का जो कि लोग किस तरह से यहाँ पे नहा रहे हैं और नहा के यहाँ से फिर माता का दरबार में जाएंगे और दर्शन करेंगे वहाँ पे। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर वो माता का स्थान है जो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, भक्तजन जाते हैं चढ़ के। और इधर आप दिखाना चाहेंगे कि ये रास्ता जो है आप ऊपर चढ़ के फिर उधर से जाना पड़ता है रास्ता, और ये वैष्णो देवी आने के लिए आपको जम्मू से कटरा आना पड़ता है। कटरा ये जान जाइए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जम्मू स्टेशन है, वहाँ से कटरा आना पड़ेगा। कटरा इसका मेन है, जिसको कटरा वाली माता भी बोलते हैं, पहाड़ा वाली भी माता बोलते हैं। तो कटरा से 3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ आने के लिए, टेम्पू वाला 150 रुपया लेते हैं, यहाँ पहुँचा देते हैं। और ये एक्चुअल जो बाल गंगा जिसे कहा जाता है वही बाल गंगा ये है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे दुकान भी ढेर सारा है, यहाँ पे दुकान है बैग रखने के लिए, यहाँ पे और भी सुविधा है सब ढेर सारा, चश्मा कपड़ा उपड़ा ये सब सबका यहाँ से ले सकते हैं। कपड़ा जेन्युइन रेटों पे मिलता है, ऐसा नहीं कि प्रमोशन वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमने लिया है जेन्युइन रेट पे मिलता है कपड़ा उपड़ा, और जितना भी सामान है सब जेन्युइन रेट पे मिलता है। और ठीक ये बाल गंगा है, बाल गंगा का सामने ये दुकान है सारा दुकान, और देख सकते हैं यहाँ पे ये नज़ारा जो है। और इधर आपको दिखाते हैं, इधर जो है बाबा जी की निःशुल्क धर्मशाला, पश्चिम बाग बान गंगा बाल गंगा, जो कि जो यहाँ पे रहना चाहते हैं, जो असमर्थ है लॉज होटल लेने में, यहाँ पे फ्री में रह सकते हैं। निःशुल्क धर्मशाला है बाबा जी का, ये सबसे बढ़िया बात है। ठीक बाल गंगा का अपोजिट में ये धर्मशाला है जो यहाँ पे लोग रहते हैं और वो भी निःशुल्क रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दूर भारत के हर राज्य से हर कोने से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल भी है माता वैष्णो देवी का दरबार, सच्चे दरबार, जो कि अब ये नज़ारा देख सकते हैं जो कि अद्भुत नज़ारा है। इसी बाल गंगे का दृश्य है, यही बाल गंगे का दृश्य है जो माता ने अपने तीर से जमीन से पानी निकाला था, तीर चलाया था जमीन में यहीं पे और यहीं से पानी निकला था जिसपे अपने बाल को धोया था, इसलिए इनका नाम रह गया बाल गंगा, इसी को बाल गंगा कहता है। ये आपका ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं बाल गंगा की तस्वीर, माता वैष्णो देवी का दरबार, और ग्राउंड जीरो से आप देख के आपको कैसा लगा अपना राय ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे हैं सोनी डिजिटल मीडिया, रविकांत की रिपोर्ट, जय हिंद।